हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। वो डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हमारी इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आगे वाले जो आने वाले हमारे टॉपिक्स हैं उनके अंदर वो डेफिनेशंस जो हैं वो यूज हो जाती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप कैपिटल आई से डिनोट करती हैं और इसका मतलब क्या है मैं आपको फिजिकल डेफिनेशन बता रहा हूं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट्स एक्सटेंट टू विच ए गिवन सैंपल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। मतलब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, कोई एक पर्टिकुलर सैंपल है जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें रीड करनी है, तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम कितना मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैथमेटिकली अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना मैग्नेटिक मूवमेंट शो करता है। पर यूनिट वॉल्यूम जितनी ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी हम हमारे गिवन सब्सटेंस को उतना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली भी हमने इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन पेपर के अंदर पूछी नहीं जाती। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो होती है वो हमें एक्सटेंट बताती है, वो एक्सटेंट वो लिमिट जहां तक हम हमारा गिवन सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे सेकंड डेफिनेशन पे जो है मैग्नेटिक इंडक्शन की, या इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल देते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से और इसकी जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है, when a substance is placed in external magnetic field of strength H, the magnetic induction within the substance is given by this relation. जब भी हम हमारे किसी substance को external magnetic field के अंदर रखते हैं और suppose कर लेते हैं कि जो external magnetic field है उसकी strength H है, तो उस substance के अंदर जो magnetic induction produce होती है वो कैसे हम define कर सकते हैं। Magnetic induction is equal to स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्लस 4πI, I यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को। तो किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेटिक इंडक्शन जो होती है वो हम इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन की जो डेफिनेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे फर्दर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफिकेशन के बाद जो टर्म्स हमारे पास आएंगी उन टर्म्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट हैंड साइड में मैंने H कॉमन ले लिया, या आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट द H जो है वो डिवाइड कर दिया। जब मैं पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट द H डिवाइड करूंगा तो मेरे पास टर्म आ जाएगी B by H, H by H यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 1, 4 by as it is, I जो है हमारा वो भी डिवाइड हो जाएगा H से। तो बेसिकली इस टर्म के अंदर मेरे पास दो रेशोज आ जाएंगी, एक रेशो आ जाएगी B by H की और एक रेशो आ जाएगी हमारे पास I by H की। तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं B by H। B by H जो हमारी रेशो होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी जो होती है वो हमें क्या बताती है, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी से हम ये बता सकते हैं कि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो अपने थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाने दे रहा है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे सैंपल में से पास करती हैं हमारा सैंपल उतना ज्यादा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और बेसिकली जितना भी हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब जितनी ज्यादा एच की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगी और हमारे सब्सटेंस के थ्रू पास आउट होंगी। तो हमारी जो बी बाय एच रेशियो थी मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, ये हमें बताती है कि हमारा गिवन सब्सटेंस जो है उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही है। फिर हमारे पास आ जाती है हमारी सेकंड रेशियो। सेकंड रेशियो है हमारी आई बाय एच, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हर टॉपिक के अंदर कवर करनी होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो हमारी टर्म है वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी। अब इसमें हमारे पास डेफिनेशन देखो क्या है, आई बाय एच हमारे पास होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम विच टेल्स अस अबाउट टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड।
सपोज करो मेरे पास यहां पे दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी, मैं दोनों सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और बाद में इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होती है। तो इनमें से एक सब्सटेंस जो है वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर में से पास करवा रहा है और दूसरा सब्सटेंस जो है वो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करवा रहा है। तो इसका मतलब जो ए सब्सटेंस है उसमें से ज्यादा लाइंस पास हो रही है, वो अपने आप को मैग्नेटाइज करना चाहता है, वेयर एज जो हमारा बी सब्सटेंस है उसमें से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो वो अपने आप को ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं करना चाहता। मतलब ए की मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, बी के मैग्नेटाइज होने की टेंडेंसी कम है। इसी टेंडेंसी को जब हमने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन लेते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो बेसिकली हमें यही बताता है कि हमारे गिवन सब्सटेंस की क्या टेंडेंसी है मैग्नेटाइज होने की। क्योंकि ए में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही है ऐसा मैंने बोला, तो इसका मतलब ए की टेंडेंसी ज्यादा है मैग्नेटाइज होने की, वो ज्यादा अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। बी में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम जा रही थी तो वो कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी बताता है। तो ये हमारे पास हमारी बेसिकली कुछ टर्म्स। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसे हम थ्योरेटिकली पता नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड ही पता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को ही अप्लाई करके हम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पता कर सकते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, उनमें से दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में भी हैं, तो वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, स्पेशल सिंबल, जिसे हम बोलते हैं काई, CHI। काई को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। आप इसे बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन का साइन लगाया और बाद में उसको कट कर दिया, तो ये हमारे पास हमारा सिंबल होता है काई का। अगर मैं यहां पे किसी सब्सटेंस की टेंडेंसी कैलकुलेट कर रहा हूं मैग्नेटाइज होने की, और वो सब्सटेंस अगर मैंने 1 मोल कंसीडर कर लिया, तो वहां पे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल। तो ये हमारे पास हमारा सिंबल रहेगा। हमें जब भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी होती है तो हम वहां पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंसीडर कर लेते हैं, फिर वहां पे हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल, और उसे हम काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे गिवन सब्सटेंसेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ये हमारे गिवन सब्सटेंस के मैग्नेटिक मूवमेंट से भी रिलेटेड होती है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट से कैसे रिलेटेड होती है, उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है। रिलेशन हमें डिराइव नहीं करना, रिलेशन हमें डायरेक्टली यूज करना है। रिलेशन रहेगा हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज इक्वल टू एन म्यू बी स्क्वायर बाय 3 kT। ये हमारे पास हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन है। अब इस रिलेशन में एन जो है, एन है हमारा एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 × 10⁻³। K है हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि हमने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया। अगर मैं जस्ट टेम्परेचर बोलता तो वो डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता था, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल देते हैं तो वहां पे अंडरस्टूड होता है कि हम जो टेम्परेचर है वो केल्विन में कंसीडर कर रहे हैं। मेन बात पे आते हैं, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पर मोल वो मैग्नेटिक मूवमेंट से कुछ इस रिलेशन के साथ जो है वो रिलेट करती है, इस रिलेशन के साथ जो है वो एसोसिएटेड होती है। अब यहां पे मुझे देखो क्या करना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मुझे इन सब फैक्टर्स का पता होना चाहिए। मतलब मुझे मेरे प्योर सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके अलावा ये कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, टेम्परेचर मुझे गिवन होगा, तो बेसिकली मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू चाहिए, टेम्परेचर की वैल्यू चाहिए। मैं दोनों वैल्यूज पुट करके मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। उल्टा बोलता हूँ, सपोज करो मुझे किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता है जो मैंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से फाइंड आउट कर ली, अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता हो
और हमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास होगा म्यू बी स्क्वायर, ऊपर वाली रिलेशन से ही काई एम, ये डिवाइड में थे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और एन जो था वो मल्टीप्लाई में था तो वो डिवाइड में चला जाएगा। मतलब बेसिकली ऊपर वाले जो हमारी टर्म थी उसको मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में लिख लिया। अब इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर है वहां पे जाके रूट हो जाएगा, थ्री कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, ये हमारी कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज थी, इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। जो हमारा ससेप्टेबिलिटी था और जो हमारा टेम्परेचर था, ये दो क्वांटिटीज हमारी वेरिएबल थी। इन सभी कॉन्स्टेंट वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं, पुट करके सॉल्व करते हैं डिवाइड वगैरह करके, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट प्योर सब्सटेंस इज इक्वल टू 2.828 अंडर रूट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू टेम्परेचर। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ससेप्टिबिलिटी के साथ ऐसे भी रिलेटेड हो सकता है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता होगा, टेम्परेचर के बारे में पता होगा, हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और इस एग्जांपल में हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें गिवन होगी, टेम्परेचर हमें गिवन होगा, और हम मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। बाकी ये जो फॉर्मूलाज हैं ये सिर्फ पढ़ने के लिए पेपर में वन मार्क में पूछ लिए जाती हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो पेपर में नहीं आता होता। तो ये हमारे पास हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। अब बेसिक डेफिनेशंस करने के बाद हमें ये करना है, हमें ये बताना है कि हम हमारे कॉम्प्लेक्सेस को बेसिकली कौन कौन से मैग्नेटिक टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस को हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। हमारे जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं वो किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम हमारे सब्सटेंसेस को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से पहली टाइप है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस सकते हैं, जब रखते हैं उनको तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्टेड हो जाती हैं, उन सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे वो सब्सटेंसेस हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। हम यहाँ पे क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी हैं, वो भी पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में। अगर हमारे कॉम्प्लेक्स में पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करेगा, और उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये हमारे पास बेसिकली हमारा कंसेप्ट रहता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दूं, तो सपोज करो ये मेरी मैग्नेट है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और इसके अंदर मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो रख दिया। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थोड़े से अट्रैक्टेड होते हैं, और ये हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो मोस्टली सैंपल में से पास करेंगी। मतलब जो लाइंस हमारी बाहर से जानी चाहिए थी, हमारा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होने की वजह से उन लाइंस को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट करने की वजह से जो लाइंस बाहर से जानी चाहिए थी वो लाइंस भी अंदर से जाएंगी। मतलब जो अंदर से जा रही है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो लाइंस हमारी बाहर से जानी चाहिए थी
उन्हें भी सैंपल अट्रैक्ट कर लेता है और अपने अंदर से पास करवाता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सैंपल इज मच मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द सैंपल। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो सैंपल के अंदर से ज्यादा पास करती हैं और सैंपल के बाहर से कोई इक्का दुक्का लाइंस ही पास करेंगी। इसका मतलब हमारे सैंपल ने, हमारे सब्सटेंस ने सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और ये वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है। तो ये हमारे पास हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन होती है। और इसमें अगर मैं फर्दर ऐड करूं, मैं आपको अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दिखाऊंगा, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है और थोड़ी सी लार्ज वैल्यूज आती है। लार्ज वैल्यू से मेरा मतलब है कि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो 100 से लेकर 1000 के बीच में आपको मिल जाएगी। तो मैंने आपको बोला था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो हमें बताती है टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू गेट मैग्नेटाइज्ड। तो ये हमें टेंडेंसी के बारे में बता रहे हैं, हमारे गिवन सब्सटेंस की जितनी ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आएगी वो सब्सटेंस उतनी ज्यादा टेंडेंसी शो करेगा मैग्नेटाइज होने की, और जितना ज्यादा हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा उतनी ज्यादा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो 100 से 1000 के बीच में एग्जिस्ट करती है, जो कि काफी लार्ज वैल्यू है। तो लार्ज वैल्यू से हमें ये पता लगता है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होती हैं उनकी टेंडेंसी ज्यादा होती है मैग्नेटाइज होने की, मतलब वो ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। तो जो बात हमने पहले बोली थी वो बात हमारी यहाँ से भी प्रूव हो जाती है। तो बेसिकली ये हमारे पास हमारा केस रहता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, जो हमारे फर्स्ट टाइप है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को पढ़ने के बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप आ जाती है, सेकंड टाइप आ जाती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए भी डिफाइन करूंगा, इनके अकॉर्डिंग ये कैसा बिहेवियर शो करती है। जैसे मैंने आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन दी थी कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जो हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होती हैं, दीज सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, या मैं बोलूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, उसमें रहने नहीं चाहते। अब अगर ये सब्सटेंस हमारे मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, इसका मतलब ये मैग्नेटाइज नहीं होना चाहते, तो ये सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए जो हमारी बेसिक कंडीशन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में। तो अगर हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, इसका मतलब इनकी ये बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमारे वो होते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो ये हमारे पास हमारे दूसरे केस आते हैं। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पे कोई भी स्पिन एक्टिव नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं होती। फिर मैंने आपको ये वाला तरीका भी बताया था, डायग्रामेटिकली वाला तरीका। तो अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये रिप्रेजेंटेशन दूंगा आपको, एक एक्सटर्नल फील्ड मैंने कंसीडर कर लिया और उसमें हमारा सैंपल जो है वो प्लेस कर दिया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो सैंपल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वीकली रिपेल करेगा, तो वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो लाइंस बाहर से जा रही हैं वो ठीक है, लेकिन जिन लाइंस को अंदर से जाना चाहिए वो भी लाइंस हमारी बाहर से जाएंगी, क्योंकि जो हमारा ये सब्सटेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीकली रिपेल करेगा। तो जो लाइंस अंदर से जानी चाहिए थी वो भी हमारी बाहर से जाएंगी, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास नहीं होने देना चाहता, मतलब ये मैग्नेटाइज्ड होना ही नहीं चाहता, ये मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी शो नहीं करना चाहता। तो ये हमारे पास हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर नहीं रहे, तो इनके लिए हमारे पास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज आती हैं जीरो और स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे, इनकी जो टेंडेंसी है मैग्नेटाइज होने की वो जीरो है, मतलब है ही नहीं।
तो इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो जीरो आती है और कई केसेस में तो नेगेटिव भी आती है। तो ये हमारे पास हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की डेफिनेशन थी। जो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। एक और बात, जैसा हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में देखा था कि अंदर से लाइन जो है वो सैंपल के अंदर से ज्यादा पास कर रही थी, सैंपल के बाहर से कम लाइन्स पास कर रही थी। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए उल्टा बोलेंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड द सैंपल इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग फ्रॉम आउटसाइड द सैंपल। तो ये हमारे पास हमारा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का टॉपिक था। ये हमारे पास हमारी कुछ एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, बाकी फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।